पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कल शाम से आग सुलग रही है। धुएं का गुबार आसमान छू रहा है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार कचरे के विशाल पहाड़ से उत्पन्न गैसों के कारण रविवार शाम लैंडफिल में भीषण आग लग गई। बता दें, पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। वहीं लैंडफिल के करीब रहने वाले कई लोगों ने गले में दिक्कत और सांस लेने में परेशानी होने की शिकायत की है। डीएफएस ने कहा कि हमारी टीम वहां आग को पूरी तरह से बुझाने का काम कर रही है। आग लगने की सूचना डीएफएस की टीम को रविवार शाम 5:22 पर मिली। शुरुआत में 2 गाड़ियां भेजी गईं, लेकिन बाद में 8 दमकल गाड़ियों को काम पर लगाया गया। इसी बीच इस मुद्दे को लेकर सियासत भी गरमाती हुई नजर आ रही है। इसे लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार और एमसीडी पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसने पिछले साल 31 दिसंबर तक गाजीपुर लैंडफिल साइट को खाली कराने का वादा किया था, लेकिन अब तक सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर सकी है। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि लैंडफिल साइट पर आग लगने के परिणाम स्वरूप पूरे क्षेत्र में धुआं फैल गया है, जिससे स्थानीय निवासियों को, व्यवसायियों को असुविधा हो रही है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने साल 2022 के एमसीडी चुनाव में वादा किया था कि 31 दिसंबर 2023 के पहले इस लैंडफिल साइट को खाली करा लिया जाएगा। हालांकि कचरा हटाने के बजाय यहां और अधिक कचरा डाल दिया गया है। इसी को लेकर बीजेपी ने आप सरकार को घेरा है। वहीं साल 2019 में गाजीपुर लैंडफिल साइट की ऊंचाई 65 मीटर थी, जो कुतुब मीनार से केवल 8 मीटर कम थी।